मणिपुर में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का जादू चला है। इस समय के आंकड़ों के मुताबिक मणिपुर की कुल 60 सीटों में से बीजेपी मणिपुर की 31 सीटों पर आगे है और सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है। इस मौके पर मणिपुर के मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इम्फाल वाले घर पर नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है। मणिपुर में बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की इस जीत को लेकर। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीजेपी की जीत से मणिपुर में आने वाले समय में विकास और शांति बढ़ेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। उन्होंने मणिपुर की जनता को धन्यवाद करते हुए कहा कि मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाएगी और सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्य करेगी। शानदार मैच की कैप्टन आप ही बने रहेंगे ना मणिपुर सरकार के? ये अपने नेशनल लीडर निर्णय ले लेंगे जी। मेरा काम है काम करना। इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले है? इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले है मणिपुर में? सेक्रेट जो है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जी। सबसे वही सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास एंड सबके प्रयास, उसी से बहुत कुछ होता है बहुत कुछ। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और गोवा में भी जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया क्या कहेंगे? यही है बस प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो उसका मंत्र है सबको मिलकर जाओ सबको डेवलप करो सबको देखो और विश्वास रखो और प्रयास करो यही से अच्छा कुछ नहीं है। प्रचार में जैसे आपका रिपीलिंग द आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट ये दैट वाज प्रिवेलिंग मच इन मणिपुर, क्या बीजेपी सरकार गठन करने के बाद इसकी मांग आप करेंगे? जरूर मांग करेंगे। अभी हम प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी को बोलेंगे। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएं, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।